अस्सलाम वालेकुम मेरी फिर फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारा साग है, ये गेहूँ से साग आया और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। ये बना हुआ है, अम्मी ने भेजा था, मैंने कहा चले आज हम आपको दिखाते हैं। मैंने गेहूँ से बना के और तैयार करके दिया था और जब हम बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये कौन है? क्योंकि साग बनाना मुश्किल कोई नहीं, मुझे बड़ा पसंद है। हमारे यहाँ यंग गेस्ट नहीं थे फिर मेरी अम्मी ने भेजा था। ये देखिए जिसका हम तड़का तैयार कर रही हूँ। वैसे तो गोश्त में पकाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि साग गोश्त में ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये लहसुन और थोड़ा सा मेरा बच्चा है, मेरा शहजादा है, मेरा राजा है। अब हम इनको छील के देसी घी में इसका तड़का तैयार करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत मजे का होता है ये साग, तड़के वाला ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे बहुत मजा आया, तू गोश्त वाला भी बनाते हैं पर ज़्यादातर हम तड़के वाला यूज करते हैं। मेरे बच्चे को मैं वीडियो एडिट करूंगा और हम तड़के वाला देखेंगे। अब हम बनाते हैं, एडिट हो रही है, सच्ची जड़ी खाते हैं, मज़ेदार किस्म के साथ बनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारी वीडियो पे दो लोग न्यू हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए हम तड़का बनाते हैं। और सुना देखिए ये मैंने लहसुन और अदरक और सारा साली माँ तो कहते कहते गए हैं इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका कटर बनेगा, क्योंकि इसको हम कुंडे डंडे में लगा देते हैं। कैमरा एक मिनट, मुझे बस थोड़ी सी ये वीडियो डाल देने दे और ये साग बना लो, थोड़ा कुल में साग बना लिए। इसकी बहुत गंदा होता है इसका टेस्ट। और सुना साली माँ तो कहते पिस नहीं जाता बल्कि क्रश हो जाता है, क्रश होने के बाद अच्छा बंगाल लगता है। देवे भाई टुकड़ा डिपिंग पाना पर बाल आ, अब इसे मैं चलाती हूँ और आप है ना देख लो ये मैं तो हाँ अक्सर अमूमन मैं तो देसी यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने देसी घी डाल दिया था और थोड़ा सा और भी डाल देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक बजने ला लिया। मैं चुपड़ के मैं तो मेरे मिनट बड़ा प्यारा जिले का चाहते लुका लिया, उन्हें कहा मेरी पोतरी को नहीं, मैं भी ले जाती हूँ अपने घर। मेरा बहुत सोना पोतरी कहीं नहीं रात बहुत ही सोना तरह करता है, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा मौसम की सुगात और मौसम के लिहाज से ही चीज़ें अच्छी लगती है। अमूमन लोग खाते हैं, बेमौसमी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, तो इसकी मौसम है साथ की और इस मौसम में बहुत मज़े का लगता है। जब तक शादी हो रही है फिर तू आएंगी ना, फिर हम इतना चीज हम तो नाल है, हमारे पास बिल्कुल नाल है, तेरे घर के बिल्कुल नाल है, मेरे घर पर लगे हुए हैं बिल्कुल ठीक है ना सर। और साथ साथ ये साथ हमारा प्यार हो रहा है, ये देखिए नहीं मैं कहती भूखी पहले दूर होती है, मैंने बहुत अच्छा बना के भेजा ये घोटना आता है। वैसे मैं ख़राब थी फल, हालांकि कितनी ख़राब आपके सामने थी ना, हाँ मेरे पुत्र बन जाते कितने बिल्ली फिर की बनाई थी। है दीदी गल सुनिए, कहती है ऐसा करती हूँ इसको इस मोबाइल को बेच के ना आईफोन ले रही हूँ। मेरा बुआ तो खोल कूड़ मार देने बहुत मज़ेदार, मोबाइल का मुझे कौन मजा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम अपने डिश दिखाते हैं, कृपया को ले लो मोबाइल। देखिए जी मेरा साग तैयार हो गया, ये हमारे बच्चों के लिए पराठे बनेंगे और मैंने डिश भी ऑर्डर की है। देखें ये मेरी डिश ऑर्डर हो गई है, तो साढ़े च भी फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तेरा मोबाइल मॉडल कौन है भैया, तेरा मॉडल